आजकल समय इतना आधुनिक हो गया है कि महिला पुरुष की तुलना इस तरह से की जाने लगी कि महिला एक कम नहीं है, पुरुषों से वो बहुत कुछ कर सकती है। बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं रोजाना, और कहीं ना कहीं इन सब उदाहरणों में कुछ ऐसा लगने लगा है कि हम तुलना कर रहे हैं एक दूसरे की, जबकि ये दोनों अलग अलग पहचान है। जब आज से 2 दिन बाद महिला दिवस आ रहा है, तो हम आज एक ऐसा टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आए हैं कि कैसे एक फीमेल अपनी लाइफ को इस अलग पहचान के साथ जिए, अपनी आइडेंटिटी को इस तरह से बनाए कि वो अपनी ग्रेटनेस को पा सके। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम उदय सिंह और मैं आपके साथ ये पॉइंट शेयर करने वाला हूं। सबसे पहला जो पॉइंट है, जो एज ए फीमेल हमें ध्यान रखना है, वो है अपने सपनों के लिए लड़ना है। यस, मेरी बात दोबारा फिर से सुनिएगा, अपने सपनों के लिए लड़ना है। हमारी परवरिश इस तरह से होती है कि कहीं ना कहीं हम अपने सपनों या अपनी पहचान को भूल जाते हैं, या जो परिस्थिति हमें करवाती है, फैमिली करवाती है, वही करने लग जाते हैं। आपको अपना एक सपना तय करना है। यदि आपने वो तय नहीं किया, तो ये सही वक्त है, तय करें। कोई उम्र नहीं उसकी, और उसके लिए लड़ना सीखे। लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना लड़े आपको जीत नहीं मिलेगी। और जब तक आपने सपना तय नहीं किया, फिर तो आप वैसे ही हार गए। दूसरा पॉइंट है, अपनी पहचान या अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना सीखे। आप में खूबी क्या है, आप में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उन चीजों के बारे में ध्यान दें और उनको डेवलप करें। यही आपकी खास पहचान बनने वाली है। यस। तीसरा पॉइंट, आजादी को जिम्मेदारी के साथ जीना सीखें। हाँ जी, मैं दोबारा से दोहरा रहा हूं, आजादी को जिम्मेदारी के साथ जीना सीखें। जहां तक आजादी की बात है, वहां हम बाहर घूमना, दोस्तों के साथ घूमना, अपनी पसंद से कपड़े पहनना, ये वो यहीं तक समझते हैं। इस आजादी का मतलब है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं अपनी मर्जी से, जिससे आने वाले समय में लोग हमसे प्रेरित हो रहे हैं। यस, वो आजादी है। आप अपनी पसंद की चीजें कर सकते हैं, खुले में कर सकते हैं, नो डाउट, बट क्या आप उससे दूसरे लोगों को प्रेरित कर रहे हैं या अपने ही स्वार्थ के लिए कर रहे हैं? अपनी आजादी को जिम्मेदारी के साथ जिए। एंड द फोर्थ पॉइंट, आपको 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 सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ अपनी तुलना करनी है, किसी दूसरे के साथ नहीं। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है कि हम एक दूसरे के साथ तुलना में लग जाते हैं, और उस वजह से जो अपनी खूबियां हैं उनको भूल जाती हैं। और ये आजकल तो इस तरह का वो हो गया है कि वो ऐसा खूबसूरत दिख रही है, वो ऐसा दिख रहा है। प्लीज, आप में ऐसी खूबी है जो कोई और में हो ही नहीं सकती। उन खूबियों को डेवलप करें। आपकी तुलना किसी से नहीं है, आप फाइटर हैं, वॉरियर हैं अपने आप में। एंड नेक्स्ट पॉइंट कि आपको अपनी पहचान, अपनी यूनिकनेस और अपनी खूबी इस तरह से जब आप बनाने लगेंगे, तो आपकी पहचान आपके शरीर से नहीं है, आपके दिखावे से नहीं है, आपके उन एक्शन से है, आपकी उस ग्रेटनेस से है, आपकी उस स्ट्रेंथ से है। उन चीजों पर फोकस करना सीखिए, अपने लिए समय निकालें, अपने लिए भी थोड़ा थोड़ा जीना सीखें। जब आप ये करने लगेंगे, तो आप अपने आप में पूरी आइडेंटिटी है, और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ, बाकी वो सारी चीजें कर रहे हैं आप, लेकिन फिर भी आप अपनी जिंदगी को बहुत ही एक्सीलेंस के साथ जी रहे हैं। सभी महिलाओं से मेरा फिर से यही निवेदन कि इन 5 पॉइंट्स को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना सीखें। आपकी लाइफ बहुत ही खूबसूरत हो, बहुत ही ताकतवर हो, और आप एक ग्रेट आइडेंटिटी के रूप में उभरे। थैंक यू।